उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से आप सभी का स्वागत है आज के इस ज्ञान ज्योति कार्यक्रम में। आज हमारा ये 23वां एपिसोड है ज्ञान ज्योति का, और ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा यंगस्टर्स वीक है, तो आज फिर हम आप सबके साथ एक लेके आए हैं एक डायनामिक यंग और अपकमिंग स्पीकर को, जिसका इंट्रोडक्शन अभी थोड़ी देर में कराएंगे। और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी से कि वो आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्षगण, आदरणीय श्री राय साहब, अशोक भैया, शिव कुमार अरोड़ा जी, हमारे महामंत्री जी गहलोत जी, हमारे संस्थापक सदस्यगण आदरणीय श्री सीएम बंसल साहब, श्री मोनुद्दीन साहब, और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री शंभुनाथ खन्ना जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी, हम किन किन का नाम लें, सभी लोगों को मेरा सादर वंदन नमन। साथियों, हमारे विक्रम जी ने ये कार्यक्रम जब आरंभ किया तो उनकी ये योजना थी कि हम अपने सारे साथियों को पढ़ाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इस योजना में उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया कि विद्वान लोगों को तो आपने सुना ही, अनुभवी लोगों को भी सुना। उन्होंने ये योजना बनाई कि हम अपने नौजवान साथियों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे, और ये उनका कार्यक्रम, ये उनका अद्भुत प्रयोग अपने आप में बहुत ही सफल है। आज के इस कार्यक्रम में आगरा से रुचि अग्रवाल जी, हमारी नौजवान पीढ़ी की दूसरी सदस्य हैं जो आज आप लोगों के ज्ञान का संवर्धन करेंगी, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर वास करें, अग्रतर हों वो जीवन के हर क्षेत्र में। और आज उनके साथ सहयोग करने के लिए हमारे संजय कुमार जी इलाहाबाद से हैं। साथियों, आप सभी लोगों को ये ज्ञान होगा कि संजय नाम का हमारे वैश्विक इतिहास में बड़ा ही महत्व रहा है। महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय के तात्कालिक महाराजा धृतराष्ट्र जी को पूरे युद्ध की कहानी, पूरे समाज की चर्चा की कहानी संजय ने ही बताई। तो आज संजय जी भी ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, आप सभी लोगों को पुनः पुनः वंदन करते हैं, नमन करते हैं कि आप सारे लोग इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हैं। हम इस कार्यक्रम के आरंभ करने की घोषणा करने के साथ साथ आप लोगों को दो तीन सूचनाएं देना चाहते हैं। 28 तारीख को फिर हमारे एक नौजवान साथी का आप विचार सुनेंगे, और उसके बाद 30 तारीख को हमारा जो आगामी कार्यक्रम है उसमें स्कोप ऑफ टैक्स प्रोफेशन एंड टैक्स प्रोफेशनल्स, इसके बारे में हम अपने नौजवान लोगों को और पुराने लोगों को, सारे लोगों को साथ साथ उनके विचार हम सुनेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो अपने और अधिक से अधिक साथियों को जोड़ने की व्यवस्था करें। हमारा संगठन संवाद संपर्क से ही कार्य करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विक्रम जी से अनुरोध है कार्यक्रम आरंभ करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी श्री उदयवीर सिंह जी से कि वो आए और एक फॉर्मल वेलकम करें सबका। उदयवीर जी प्लीज। धन्यवाद चावला जी, सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने डायनेमिक प्रेसिडेंट श्री अरविंद गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सौरभ गहलोत जी और डायनेमिक एंड टेक्निकल सेक्रेटरी श्री विक्रम चावला जी
चेयरमैन लीगल सेल श्री आनंद सिंघल जी, चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी श्री डी के गांधी जी का मैं आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके अथक प्रयास से ये ज्ञान ज्योति वेबिनार का सफल आयोजन किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष श्री वीएन राय साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री वीएन राय साहब, अशोक कुमार जी बलिया, श्री शिव कुमार अरोड़ा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिनके सुपरविजन में यह सेमिनार ज्ञान ज्योति सेमिनार लॉकडाउन पीरियड का भरपूर फायदा उठाते हुए का बड़े अच्छे तरीके से आयोजन करवाया जा रहा है। मैं अपने उन सभी साथियों का आभार और धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने इसमें इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने सेशन चेयरमैन श्री संजय कुमार जी एडवोकेट हाई कोर्ट एवं रुचि अग्रवाल जी जिनके द्वारा इस आज के टॉपिक का प्रेजेंटेशन किया जाएगा उनका भी मैं आभार और धन्यवाद स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद उदयवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन आनंद सिंघल जी से कि वो आए और आज के सेशन चेयरमैन है संजय कुमार जी, उनका परिचय संक्षिप्त सा परिचय दें। आनंद सिंघल जी प्लीज। विक्रम भाई थैंक यू। ज्ञान ज्योति के इस वर्चुअल सेमिनार में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय सेविंग्स और डिडक्शन इन इनकम टैक्स यह है, जिसके चेयरमैन हैं हमारे सर्वप्रिय, मेरे ही नहीं सर्वप्रिय, श्री संजय कुमार जी प्रयागराज, एडवोकेट प्रयागराज। आपके विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूँगा। आपका जन्म 4 दिसंबर 1963 को प्रयागराज में हुआ। आपकी शिक्षा लखनऊ में भी क्राइस्ट चर्च कॉलेज में रही, कालवीन तालुकेदार में रही तथा उसके पश्चात आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने लॉ ग्रेजुएशन की है। आप सर्वप्रथम मैं क्या बताऊँ, इसी से अपने आप में एक पूरा परिचय हो जाएगा आपका कि आप एक प्रबुद्ध सक्रिय वरिष्ठ यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के प्रति समर्पित व्यक्तित्व श्री के एन कुमार साहब के यशस्वी पुत्र हैं। इलाहाबाद में आपके बार काउंसिल में पंजीयन के उपरांत आपने यहीं पर अपने पिताजी के साथ ही चैम्बर में प्रैक्टिस स्टार्ट की, तदुपरांत इनकम टैक्स एक इंडिपेंडेंट रूप से इंडिपेंडेंट इनकम टैक्स तथा सर्विस टैक्स में आप ख्यातिलब्ध अपनी, और सर्विस टैक्स में भी काफी आपकी जो है न्यायालयों में काफी प्रशंसा प्राप्त की है तथा इसके उपरांत सबसे बड़ी चीज जो दो तीन मैं आपके भविष्य में जो मैं जानता हूं मैं आपको बता रहा हूं, आप द्वारा इंडियन रेलवे बोर्ड, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सभी में आपने इनके का भी प्रतिनिधित्व आपने उच्च न्यायालयों में किया है तथा यूपी इनकम टैक्स बार एसोसिएशन इलाहाबाद बड़ी प्रभावी संस्था है, उसके 1914 में आप प्रेसिडेंट तथा लगातार 9 वर्षों तक सेक्रेटरी भी रहे हैं। इसी के साथ AIFTPA के द्वारा आप लगातार नॉर्थ जोन के 2018 में चेयरमैन रहे तथा ऑल इंडिया AIFTPA के वाइस चेयरमैन 2019 में रहे। परिचय आपका इतना ही काफी नहीं है कि केएन कुमार साहब जहाँ जिस शख्स से जुड़े हों, जिस संस्था से जुड़े हों, वह अपने आप में स्वयं में एक परिचय है। मैं उसके लिए अब केएन कुमार साहब को बहुत बहुत अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि संजय जी को कृपया आवे। विक्रम भाई एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए संजय जी के बारे में हम बहुत करीब थे, मैं व्यक्तिगत थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, हम कल तक इतने करीब थे शायद करीब नहीं थे, हम भ्रम में थे कि आपने इतने करीब ला करके और कल इतनी बातें हुई हम लोगों की, लगता था कि हम लोग कब के मिले हुए हैं।
आके बहुत अच्छा लगा, आत्मीयता मिली। हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने ये ऐसा मौका हमको दिया कि जो हमारे सबके बीच में आकर के। धन्यवाद। वेलकम वेलकम आनंद जी। अब मैं निवेदन करूंगा संजय कुमार जी से, आप आए और टॉपिक को और इंट्रोड्यूस करने का कष्ट करें। संजय कुमार जी वेलकम। थैंक यू विक्रम जी। एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है? वेरी क्लियर वेरी क्लियर वेरी क्लियर। गुड संडे आफ्टरनून टू संडे के दिन वेबिनार 4 बजे खाना खाने के बाद सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड ये मौका दिया मुझे यूपी टैक्स बार ने। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूपी टैक्स बार, द प्रेसिडेंट ऑफ द बार, द सेक्रेटरी ऑफ द बार मिस्टर आनंद सिंघल जी एंड ऑल द सीनियर मेंबर्स जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। I'm really grateful to you. आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको इसके लिए। एक वजह और है धन्यवाद देने की, पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले एक शब्द और बोलूंगा। 2018 में when I was the chairman of the North Zone, we had organized a conference in Allahabad. और उसमें 2018 में यूपी टैक्स बार का बहुत बड़ा रोल था एज अ को ऑर्गेनाइजर। वो जो कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हुई उसका श्रेय जितना एएफटीपी को जाता है उससे ज्यादा यूपी टैक्स बार को जाता है। वो इट वाज अ ट्रेमेंडस शो वेयर टू सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण जी, ऑनरेबल जस्टिस विनीत सरन जी वाज देयर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस श्री गोविंद माथुर जी, वो लोग थे, उन्होंने प्रिसाइड किया। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे उसमें, फेडरेशन के, यूपी टैक्स बार के, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था। 636 रजिस्ट्रेशन उसमें थी और उसमें 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो थी वो यूपी टैक्स बार ने दी थी रजिस्ट्रेशन। सो इट वाज अ कमेंडेबल जॉब। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यूपी टैक्स बार। अरविंद जी का बहुत ही सक्रिय रोल था उसमें, द प्रेसिडेंट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूपी टैक्स बार। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये जो सब्जेक्ट है, वी कम टू द सब्जेक्ट। आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? इसमें ये शक रहता आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? नहीं, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। कह रही हो होगा तो मैं पीछे टोक दूंगा। ओके ओके। नहीं, मैंने 2 ID से इसलिए लॉग इन किया क्योंकि पावर की आज प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके। तो कई और बैंडविड्थ की भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से दो, ये मैं फोन पे हूँ आपसे जो बात कर रहा हूँ अभी, फोन पे हूँ, नॉट ऑन द लैपटॉप। तो दोस्तों, यूपी टैक्स बार से मेरा संबंध बचपन से है, 76-77 से। अशोक शर्मा जी, जगन लाल अग्रवाल जी, बहुत सारे सीनियर्स, वी एन राय साहब जो सामने हैं, बहुत सारों के मैंने नाम सुने और उनसे मैं मिलता आया। तो आज मौका मिला, सब नाम सुने थे देखा नहीं था। तो अभी जब इंट्रोडक्शन हो रहा था सबका तो मैं देख रहा था कि कौन कौन कहाँ पर है, सब स्क्रीन पे थे, तो बेहद अच्छा लगा। और दिस क्रेडिट गोज टू मिस्टर विक्रम चावला टू ब्रिंगिंग अस सो क्लोज। ये ज्ञान ज्योति कार्यक्रम से वो हम सबको पास में लेके आए। तो उम्मीद करते हैं ये आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे, मुझे इनवाइट करते रहेंगे, मुझे बस ये अपना लॉगिन भेज देंगे ताकि मैं एज अ पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। तो दोस्त, तो फ्रेंड्स, दिस सब्जेक्ट ऑफ एज आई सी द प्रेजेंटेशन ऑफ मेन स्पीकर मिस रुचि अग्रवाल, प्रेजेंटेशन ऑन टैक्स सेविंग्स डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ इनकम टैक्स। दिस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, ये इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये। इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन में से 3 चैप्टर जो है, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 6, दीज 3 चैप्टर्स, इन 3 चैप्टर्स में ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंटेशन है, मैंने इनका पूरा प्रेजेंटेशन देखा, तो पूरे प्रेजेंटेशन में इन्होंने काफी सब्जेक्ट्स को, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कवर किया है, जो कि रोजमर्रा के हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं, जो हमारे एसएससी आते हैं, उनको हमें एडवाइस करने के लिए बेहद हेल्पफुल है। और सेक्शन 3 जो है हमारा, ये चैप्टर थ्री में सारी हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं, Section 10 to Section 35। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होता है, जिसमें हमें जो रिडक्शंस अवेलेबल हैं बिफोर कमिंग टू द नेट इनकम, वो सारे इसमें रिडक्शंस अवेलेबल हैं। आखिरी में, लास्ट में है चैप्टर 6,
जो ATC ATU की डिडक्शंस हमको अवेल करती हैं। तो इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है तीन तरीके से एक्ट में किया गया है, तो तीनों के मेजर प्रोविजंस को मैडम रुचि अग्रवाल ने कवर किया है। अगर ये पूरा सेशन सिर्फ डिडक्शन और एग्जेम्पशंस पे होगा तो ये तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लग जाएंगे, एक एक एग्जेम्पशन को एक एक डिडक्शन को अगर हम लोग स्टडी करते, क्योंकि इनमें भी चेंजेस बहुत है ईयर टू ईयर। तो मैडम ने 2019 से रिलेटेड असेसमेंट है, 1920 से रिलेटेड जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मेजर हैं उनको इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें इसमें रह गई हैं, बहुत सारे सवाल आपके उत्पन्न होंगे इसमें, उन सारे सवालों का जवाब दे पाना 1 घंटे के प्रोग्राम में बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक एक सेक्शन को रेफर करना पड़ेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि जो भी उनकी क्वेरीज हैं या तो चैट बॉक्स में डाल दें और अदरवाइज मेल टू द सेक्रेटरी एंड देन वी कैन ट्राई टू रिप्लाई टू देम, बिकॉज मोर देन आई थिंक 800 से ज्यादा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हमें पूरे इन 3 चैप्टर में अवेलेबल है। हर कंप्यूटेशन हर हेड ऑफ इनकम में कोई ना कोई डिडक्शन हमें अवेलेबल है। तो इनको सारे को डील कर पाना 1 घंटे के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विथ 40 स्लाइड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट शी हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। बहुत कुछ उन्होंने इसको इसमें कवर किया है। और आई थिंक रादर देन हम लोग क्या डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, ये जो COVID-19 आया इसने तो हमारी इनकम ही खत्म कर दी। बट वी सी बट फॉर द फ्यूचर इट वुड बी गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस, to learn from the learned speaker and to implement with our clients and with our SSEs. And moreover, what we see, apart from these deductions and मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कि इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखना है। We have to advance ourselves technologically. Yesterday I was talking to Mr. Anand Singhal, तो हमें लगा जो हमारे भाई लोग हैं हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं, शायद हम लोग के जो एजुकेशन प्रोसेस है आफ्टर कंप्लीटिंग our लॉ वो खत्म होता गया। अब ये जो ज्ञान ज्योति का कार्यक्रम है, इस तरीके का कार्यक्रम होंगे तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे और अपने क्लाइंट्स को सही सलाह दे पाएंगे। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द मॉडरेटर टू इनवाइट द स्पीकर एंड गिव अ प्रेजेंटेशन एंड देयर आफ्टर व्हाटएवर क्वेरीज आर देयर आई एम देयर टू रिप्लाई व्हाट आई कैन डू, अदरवाइज आप लोग मेल करिएगा और चैट बॉक्स में डालिएगा और फिर हम लोग उसका रिप्लाई कर, दैट शुड बी डन। ऐसे कार्यक्रम का फायदा यही है कि जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसकी क्वेरीज का जवाब उसको मिले, हम पेपर पढ़ के चले जाएं और उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी जवाब 1 हफ्ते में 10 दिन में उनको हम प्रोवाइड कर पाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट द मॉडरेटर टू प्लीज टेक द प्रोसीडिंग ऑन। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू वेरी मच। आज जो हमारे यंगस्टर वीक के अंदर, मैं आप सबको बताना भूल गया था कि हमारा यंगस्टर वीक चल रहा है ये, जिसके अंदर हमारी जो की स्पीकर हैं आज वो श्रीमती रुचि अग्रवाल एडवोकेट आगरा हैं। आप एक प्रतिष्ठित आयकर अधिवक्ता श्री कृष्ण अग्रवाल एडवोकेट जो लॉ फॉर्म भी है उसमें एक पार्टनर के रूप में है, वहाँ पर आपके फादर इन लॉ हैं आप, वो आप द्वारा इनकम टैक्स ITAT CIT तथा AO सभी जगह लगभग उपस्थित होकर अपने कार्य को संपादित किया है। आपके टैक्स सलाहकार के रूप में जो आपका सबसे बड़ा अहम कार्य रहा है, टैक्स सलाहकार के साथ जो आज वर्तमान में हमारी आवश्यकता है, हम वित्तीय सलाहकार भी हैं, तो वित्तीय सलाहकार के लिए हमारे आवश्यक है कि हम उन एस्पेक्ट्स को भी बहुत देखें जो हमारे लिए फर्म्स को और डीलर्स को और इंडिविजुअल्स को जो जरूरत है आज की, तो वह उन सब पर भी इस पर वित्त सलाहकार के रूप में आप पोस्ट ऑफिस, ग्राम पंचायत, LIC, कारपोरेट सर्किल तथा विभिन्न लीडिंग कंसर्न्स में भी, आगरा में भी तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। आप द्वारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स, अपलोडिंग डाटा, अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन, सभी चीज़ों पर जिस तरह से अपने कार्य की प्रस्तुति की है और अपनी महारत हासिल की है और अपनी बुद्धिमत्ता का जो परिचायक है, ये हमारे आपके सबके बीच में आप हमारे समक्ष आज की स्पीकर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं धैर्य से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके विचारों को सुने, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे काफी स्तर तक और हमें भी एक नई दिशा
जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा। धन्यवाद अरुण जी, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता रुचि अग्रवाल जी से। रुचि आइए प्लीज, आज ही देर। गुड इवनिंग एवरीबडी, आई वुड लाइक टू थैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक श्री अरविंद गुप्ता सर, द प्रेसिडेंट ऑफ यूपी टैक्स बार एसोसिएशन, श्री विक्रम चावला सर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी बार टैक्स बार एसोसिएशन, श्री आनंद कुमार सर चेयरमैन इनकम चेयरमैन लीगल सेल, श्री सौरभ सिंह सर एंड सेशन चेयरमैन श्री संजय कुमार सर, for giving me an opportunity to present this presentation on tax saving. The objective behind this presentation is to retain and promote saving concept in India. The concept of saving plays a vital role in economic analysis. During pre-independence period in India, people spend most of their income on consumption, but due to spread of corona pandemic in a world, it has become necessary for every taxpayer to save the money for the to save the money for their future, so that is tarah ke jitne bhi pandemic hamari life mein agar aayenge so we can easily get out of it. The main object jo sara sir maine focus kiya hai tax savings mein, ki tax ki savings bhi ho aur wealth creation bhi ho, that is the main motive of my slides and that is the main motive of all the things. As you all are aware that Honorable Finance Minister Srimati Sitaraman by Finance Act 2020 has made a far-reaching amendment in the Income Tax Act for simplification of income tax. The new rate of income tax have been given and modified the old slab rates and adoption of their new rate of income tax. This is optional for assessment year 2021. For adoption of old rate by the SEC, each SEC will have to calculate his income according to the old rate as well as the new rate. Jo bhi sir hum kya karenge abhi isme, ki as a tax advisor, first of all we should promote the tax savings in form of an investment, so that ki hamare paas dono both options available ho client ke paas, ki hum ATC ko bhi check kar le एंड उसके बाद हम ये भी चेक कर लें कि क्या अगर हम पुराने रेट में जाते हैं तो क्या डिफरेंस है एंड नया रेट रखते हैं तो क्या डिफरेंस है. इससे क्या दो फायदे हमारे क्या होंगे कि एक तो टैक्स सेविंग होगी एज वेल एज लाइफ सिक्योर्ड होगी एंड सेविंग का कंसेप्ट जो हमारे यंग यूथ से जा रहा है वो कंटिन्यूअल है. ये अभी मैं जो लिस्ट इंक्लोज कर रही हूँ जो शेयर कर रही हूँ ये वो सारे डिडक्शन हैं. अगर हम इस पुराने वाले जो टैक्स स्लैब रेट में जाते हैं तो सारे डिडक्शन हमें अलाउड होंगे जो कि बहुत सारे हैं और जिसको अगर हम अवेल कराते हैं तो क्लाइंट कैन गेट लॉट एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स. जो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेक्शन 10A से लेके 35 से जितने भी हैं ये, इसमें सारे के सारे कुछ एक्सपेंडिचर्स जो हैं जो अलाउड होते हैं बिजनेसमैन को या कुछ अजम्पशंस भी इंक्लूडेड हैं. एंड सेक्शन 57 में फैमिली पेंशन जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फैमिली को मिलती थी वो इसमें अलाउड होती है. अब हम आते हैं जिस चैप्टर को शायद आज हमने फोकस करने की कोशिश की है, चैप्टर 6A, दैट इज विच इज टोटली फॉर द डिडक्शन. डिडक्शन में सर अगर हम बात करें तो सबको पता है यहाँ पर कि ATC में मोटा मोटा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की है कि ATC डजंट मीन कि हमने ATC में कुछ भी लिया और कुछ भी बाय कर लिया. मैंने उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है. दीज आर ऑल द डिडक्शंस जो ATD में आते हैं, विच इंक्लूड ऑल इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इंश्योरेंस प्रीमियम विच आर पेड, कुछ ऐसे खर्चे भी जो हमने अपने हैंडीकैप डिपेंडेंस पे खर्च किए हों, कुछ ऐसे जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि बहुत क्रिटिकल इलनेस वाले हों उस पे पे किए हों, जो हमने रिपेमेंट ऑफ लोन में पे किए हों, किसी रिपेमेंट इंटरेस्ट जो कि हायर एजुकेशन के लिए हमने खुद के लिए लिया हो या रिलेटिव के लिए लिया हो, इसको हम सर एक एक करके भी डिस्कस करेंगे ब्रीफ में. एंड एक दो नए सेक्शन फाइनेंस दिस इफेक्टिव हुए हैं ATEE
एन ए टी डबल बी डबल ई बी ए टी डबल ई ए एक बहुत नया उन्होंने इंसर्ट किया है सेक्शन. इस सेक्शन में उन्होंने बहुत क्लेरिफाई किया है कि कोई भी इनका इस डिडक्शन का मेन मोटिव है कि एक मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उसको इसमें बेनिफिट मिल सके. इसमें उन्होंने मोटा मोटा ये कवर किया है कि 45 लाख से कम की स्टैम्प वैल्यू होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फ्लैट की या पर्टिकुलर घर की जो कि इस सेक्शन को अवेल करने के लिए जो कि इस सेक्शन को तभी हम अवेल कर पाएंगे. इसमें जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें यहाँ पर 1.5 लाख की छूट हमें इस सेक्शन में मिलेगी और 2 लाख की छूट हमें मिलेगी सेक्शन 24B में. एक जो दूसरा सेक्शन जो नया इंसर्ट हुआ है वो ATEEB जो कि ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लोन पर जो भी हम पे करेंगे इट विल बी डिडक्टेड अप टू 1.5 लाख. बाकी ये जनरल यहाँ पर सभी सर लर्निड पर्सन है तो मैं एक एक करके इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगी बिकॉज Everybody know each and everything. Let's come to the amendment, जो नए amendment इन्होंने किए हैं. ये वो नए slab rates हैं जिसमें ये जो slab rates हैं इसमें जितना भी deductions हैं अगर हम उन deductions को नहीं लेंगे तभी ये सारे rates हमारे applicable होंगे. The object यहाँ पर सर अब हमारा जो main इस पूरे presentation का जो सारा का सारा objective था that is investment. सो द ऑब्जेक्टिव जितने भी हम जिसको भी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे इट शुड बी लाइक दिस कि हम उसमें ये 4 या 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ताकि हमारे क्लाइंट को एज वेल एज जब हम अपने लिए भी लेंगे तो उसको ये बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं. द मेन पर्पज एंड द फर्स्ट पर्पज इज टू मिनिमाइज इनकम टैक्स. सेकेंड इज वेल्थ क्रिएशन. थर्ड इज टू इनकरेज सेविंग. एंड फोर्थ इज टू इंश्योर फैमिली ऑफ SSE अगेंस्ट लाइफ एज वेल एज डिसीजेस. ये तभी पॉसिबल होगा फोर्थ वाला जब हम उसकी जब वो लाइफ इंश्योरेंस परचेज करे लाइफ अपनी सिक्योर करे. एंड जो सेकेंड है फॉर डिसीजेस जब वो ATD में अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस या कुछ और ले. लेट्स कम डायरेक्टली टू द सेक्शन ATC. अब सर हमारा सेक्शन ATC क्या कहता है. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेफर्ड एनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF subscription to certain equity shares or debenture etc. in computing the total income of an SSE being an individual or HUF there shall be deducted in accordance with and subject to the provision of this section the whole of the amount paid or deposited in the previous years being the aggregate of the sum referred to in subsection 2 as does not exceed 1,50,000. The maximum tax assumption limit under ATC has been retained at 1.5 lakh only. The various investment venues or expenses that can be claimed as deduction under section ATC are as below. Sir, हम सभी को पता है यहाँ पर कि ATC में कौन कौन से आते हैं बट हम शायद यहाँ पर आउटलुक थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट इज PPF. सर जब हम PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मोटा मोटा ये पता होता है कि PPF में इन्वेस्ट करने के बाद ATC में डिडक्शन मिल जाता है. बट इसके 2-3 फैक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. हम सभी को पता है कि जो इसका जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ये PPF हैज बीन डिजाइंड ऑन द 3 कंसेप्ट ऑफ EEE. EE का मतलब है द अमाउंट विच यू आर पेइंग इज एग्जम्प्टेड, द इंटरेस्ट विच यू आर अर्निंग इज एग्जम्प्टेड and the maturity value is also exempted. So PPF is considered as one of the best investment as in conservative. अगर हम बात करें conservative का मतलब है कि this is wholly in control of government. यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी हो but you will get the amount. एक चीज और PPF के बारे में अगर special अगर हम बात करें अगर आपका slab rate अगर आप highest slab rate 30% में आते हैं तो इसकी effective yield 11.48% बनती है. वो कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज अगर आपकी FDR 6% की आप बनवाते हैं और आप 30% का उसमें से टैक्स देते हैं तो मोटा मोटा 6 में से 1.8 आप माइनस कर दीजिए. दैट मींस कि आपको क्या मिला आपके हेड में क्या आया 4.22% जो कि आपने शायद उस कंसेप्ट से कभी देखा ही नहीं होगा. अगर हम PPF की बात करें तो PPF की इफेक्टिव 11.48 पड़ती है
क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट था टिल मार्च तक 7.9 था, बट ड्यू टू दिस कोविड इट हैज बीन रिड्यूस फॉर क्वार्टर वन में रिड्यूस करके उसको 7.1 तक कर दिया गया। बट इसके बाद जुलाई से दोबारा से 7.9 पर आ जाएगा और इसकी इफेक्टिव 11.8 पर आ जाएगी। बट इसके साथ जो एक ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है कि 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। तो जब भी हम किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वी सजेस्ट पीपल कि हम सारे पैसे को 1.5 लाख रुपए को आप एक जगह पार्क मत कीजिए। मेक उसका हम नीड को देखेंगे, हम ये समझेंगे क्या वो यंग है, क्या उसकी कितनी एज है, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। इफ ही इज अ मिडिल मैन मीन्स 40-45 की एज का है तो उसको हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने 50% पैसे को कंजर्वेटिव रखिए एंड 50% पैसे को एग्रेसिव रखिए। वो कैसे वो हम आगे स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। ईपीएफ, एज यू ऑल नो कि जो ईपीएफ में दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक कॉन्ट्रीब्यूशन वो होता है जो एम्प्लॉयर देता है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन वो होता है जो एम्प्लॉय देता है। तो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो उसको एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलता है। नेक्स्ट कम FDR, FDR आर पोस्ट ऑफिस की FDR जो कि 5 years के लिए होती हैं, या पर्टिकुलरली किसी बैंक की FDR जो कि एज एन टैक्स सेविंग की तरह काम आती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ATC। इसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, बट इसका लॉक इन पीरियड 5 years होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी इफेक्टिव यील्ड जो है बहुत अच्छी नहीं आती अगर आपका टैक्स स्लैब 30% में है। अगर लोअर टैक्स स्लैब रेट में है देन इट्स ओके विद यू, क्योंकि ये 5 years के बाद ये पैसा फिर आपको फ्रीली यूज करने को मिल जाता है। नेक्स्ट कम NSE एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम सब आप सब सभी अच्छे से जानते हैं, बट इसके एक दो मेन चीजें जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अर्न इज कंपाउंडेड एनुअली बट पेबल एट मैच्योरिटी। इंटरेस्ट जो अर्न होता है वो फर्स्ट 4 years में इज डीम्ड टू बी रीइन्वेस्टेड। वो ये माना जाता है कि जो इंटरेस्ट हमने इसमें अक्रूड हुआ है वो दोबारा से रीइन्वेस्ट हो गया और ATC का पार्ट बन गया। सपोज 1 लाख रुपए का आपने NSE लिया फर्स्ट ईयर, उस पर सपोज 8% का इंटरेस्ट रेट था एंड उस पर 8,000 rupees इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, तो इट विल बी कंसिडर्ड कि वो दोबारा से ATC में इन्वेस्ट हो गया एंड इट बिकम अगेन अ पार्ट ऑफ ATC। बट 5th year में उसको उसका जो पैसा है, जो इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एट री इन्वेस्टेड। ये इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो ये भी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट बट नॉट लाइक PPF. PPF इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल नाउ अगर कंजर्वेटिव साइड की बात करते हैं, अगर लॉक इन हमारा क्राइटेरिया नहीं है तो। नाउ वी कम टू एन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक अगर हमें भले हम ओल्ड स्लैब में जाएं या पुराने स्लैब में जाएं, इंश्योरेंस तो हमको लेना ही होगा बिकॉज हमें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। तो एज यू ऑल नो कि यहाँ पे 3 तरह के मोटे मोटे प्लान होते हैं LIC में। एक होता है इंडोनमेंट प्लान। इंडोनमेंट प्लान क्या होता है, इज इन टिपिकल जो पुराना ट्रेडिशनल प्लान होते थे, 15 साल प्रीमियम दीजिए, 10 साल प्रीमियम दीजिए, 20 साल प्रीमियम दीजिए, ये कोई भी बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं इनकी। इनमें क्या होता है कि आप एक आपका सम एश्योर्ड हो गया, एक सम एश्योर्ड और आपकी एज के अकॉर्डिंगली प्रीमियम डिसाइडेड होता है। यू हैव टू पे दैट, जितने भी आपने ईयर्स के लिए लिया है आपको पे करना है एंड जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी पे आपको ये अमाउंट प्लस जो भी उसमें बोनस अक्रूड हुआ है वो मिलेगा। इन केस ऑफ कैजुअलिटी विद एनीबॉडी तो जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली इसमें पेमेंट मिल जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसको अपनी कंट्री में थोड़ा कम प्रमोशन मिला है। उसका रीजन इज टर्म इंश्योरेंस एक वो इंश्योरेंस होता है, इस इंश्योरेंस में केवल और केवल प्योर लाइफ आपकी सिक्योर्ड होती है। ये उस तरह के लोग बहुत लेते हैं जिनकी लाइफ को, जिनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, जिनको ये लगता है कि भाई मेरी लाइफ का पता नहीं किसी दिन एक्सीडेंट हो जाए तो। एंड इसमें इसका जो मेन फीचर होता है, जो इसका प्रीमियम अमाउंट होता है वो ट्रेडिशनल प्लानों से कम होता है। उसका रीजन है कि केवल और केवल इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस होता है जो कि केवल इंश्योरेंस कंपनी को बेयर करना होता है। किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तभी उसका पेमेंट होता है,
अगर वो टेन्योर चल रहा है तो, अदरवाइज मैच्योरिटी अमाउंट पर इफ द पर्सन इंश्योर्ड इज अलाइव उसको एक रुपया नहीं मिलता. तो इसलिए ये इस हमारी कंट्री में इसका प्रमोशन कम है. एंड द थर्ड इज यूलिप. जैसे आप सभी को पता है यूलिप एक मार्केट ओरिएंटेड प्लान होते हैं जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म मिनिमम 3-5 ईयर्स होता है. इसमें सर एक बहुत हिडन चीजें होती हैं जो शायद आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं की होगी. इनमें बहुत सारे मोर्टिलिटी चार्जेस और हिडन चार्जेस होते हैं. इसमें वो लोग क्या करते हैं, सपोज आपसे 1,00,000 रुपए प्रीमियम लिया, उसमें से आपकी लाइफ भी वो सिक्योर करते हैं एज वेल एज बचे हुए पैसे को लेके मार्केट में उसको यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड उसको इन्वेस्ट करते हैं. हम वी डू नॉट सजेस्ट, मतलब अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं कहूंगी नहीं, यू शुड नॉट गो फॉर यूलिप प्लान्स बिकॉज या मोर्टिलिटी चार्जेस जब आपको पे करने ही है तो आप टर्म इंश्योरेंस में कीजिए और बचे हुए पैसे को आप अपना सीधे शेयर मार्केट में लगाइए. Why to make anybody a jockey of your investment? इसमें आप अपने जॉकी पे विश्वास नहीं कर सकते. बाकी इन्वेस्टमेंट्स में जो प्योरली म्यूचुअल फंड्स या अदर ELS होते हैं उनमें जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं दे नो हाउ टू प्ले द थिंग एंड दे हैव दे डिजाइन द होल पोर्टफोलियो इन द सेम वे. बट इन अ यूलिप इट इज लाइक दे आर सो मैनी हिडन चार्जेस जो कि पॉलिसी बोर्ड में डिस्क्राइब नहीं होते एंड मैनी थिंग्स आर हिडन एंड जो आपको पता ही नहीं होता. मोर्टिलिटी चार्जेस भी बहुत हाई होते हैं. Let's come to the next slide. अब ये थोड़े बहुत हम लोगों ने जो अपनी नॉलेज से जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है ये इंश्योरेंस के कुछ प्लान हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा. इसमें कुछ टर्म इंश्योरेंस हैं, कुछ ट्रेडिशनल प्लान हैं, कुछ मनी बैक पॉलिसीज हैं. नेक्स्ट कम टू द ELS. अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन को अभी तक जितने भी पुराने इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किए एक भी इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता. केवल PPF इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन आता है. बाकी और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो एक भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता. उसका रीजन इज क्योंकि बाकी के साथ उनकी लिमिटेशन है. बट अगर हम ELSS की बात करें, ELS क्या होते हैं, ELSS इक्विटी लिंक स्कीम्स होती हैं. दीज आर द ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम. मेजोरिटी पार्ट इसका जो होता है वो इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है विद अ हाई रिटर्न. इसमें बेसिकली एक फंड मैनेजर क्या करता है, फंड मैनेजर आपके पैसे को, सपोज आपने उसमें 50,000 रुपए लगाए, उस 50,000 रुपए को 20 फंड वो अपनी तरफ से 20 फंड निकाल के रखता है, उन फंडों में लगाता है एंड उसको ये पावर होती है कि वो 3 साल तक इस पैसे को अपने अकॉर्डिंगली प्ले कर सकता है. यहाँ पर मैंने अपनी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड टॉप ELS फंड फॉर यू जो कि बेस्ट ऑफ माई नॉलेज से आई ट्राई टू फाइंड आउट दिस फॉर यू जिनका पोर्टफोलियो आज के कोविड वाले टाइम को कवर करता है. जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की अगर हम बात करें तो इसमें जो बैंकिंग सेक्टर है उसका एसेट एलोकेशन 42% है, ऑटोमोटिव का 10% है, टेक्नोलॉजी का 7.69% है, मिसलिनियस 6.73 है, रिटेल एंड रियल स्टेट का 6.4 है एंड केमिकल का 5.38 है. इन अ सिंपल लैंग्वेज शायद आपको स्लाइड से ही अंदाजा लग गया होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने 10,000 रुपए भी लगाए तो उस 10,000 का 42% बैंकिंग शेयर्स में जा रहा है, बाकी 10% ऑटोमोबाइल्स में जाता है, बाकी टेक्नोलॉजी में जा रहा है, मिसलिनियस में जा रहा है. यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ठीक है आज बैंकिंग सेक्टर नहीं चल रहा, हो सकता है आज बैंकिंग नहीं चलेगा तो फार्मा चलेगा, फार्मा नहीं चलेगा तो ऑटोमोबाइल चलेगा. मतलब इट इज ऑल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है अगर हम कोविड की बात छोड़ दें तो. दिस इज अगेन एन आदित्य बिरला सन रिलीफ टैक्स रिलीफ प्लान जिसमें अगर हम सेक्टोरियल वाइज बात करें तो बैंकिंग का 21% टू 22% का शेयरिंग है, फार्मा का 14% के अप्रोक्स है, टेलीकॉम का 10% है, कंज्यूमरेबल गुड्स का 9% के करीब है, केमिकल्स का 9% के अप्रोक्स है एंड ऑयल एंड गैसेस का अगेन 9% है. दिस इज ऑल्सो एन अनदर DSP टैक्स सेवर रेगुलर फंड. इसमें भी ऑलमोस्ट वही पोर्टफोलियो है. द मेन थिंग इज कि जब आप पोर्टफोलियो को जब आप देख रहे होते हैं तो जब भी जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो
तो पहला उसका पोर्टफोलियो देखना आपको जरूर बनता है। इसमें सर एक बहुत छोटा सा सजेशन मैं आप लोगों को दूंगी, आप अपना पैसा लगाएं या क्लाइंट को एडवाइस करें, किसी को ये ना बोलें कि हाँ ठीक है मार्च आ गई है लगा दो 1.5 लाख रुपए ELSS में। आप उसको इनिशियल स्टेज से बोलेंगी आप SIPs का सहारा लीजिए। SIPs क्या होती हैं? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है जैसे आपकी आरडी चलती है, हर मंथ आपने तय कर दिया जी 4,000 रुपए महीना या 10,000 रुपए महीना मुझे SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना है। इससे सर क्या बेनिफिट होता है कि आपने सपोज 10,000 रुपए महीने की एक SIP लगाई, आज मार्केट हो सकता है 30,000 पर है, तो आज आपको 30,000 के हिसाब से आपको जो 10,000 रुपए लगाए थे आपको नंबर ऑफ यूनिट 100 मिल गए क्योंकि आपकी उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। सपोज यहाँ से मार्केट गिरता है अगले मंथ, तो अगले मंथ उसमें आपको वही 10,000 रुपए में अभी 100 यूनिट मिले थे, आपको हो सकता है 150 यूनिट मिल जाए। तो इससे क्या होता है उसके नेक्स्ट मंथ हो सकता है मार्केट फिर बढ़ जाए, तो हो सकता है आपको इन प्लेस ऑफ 100 यूनिट आपको 90 यूनिट बढ़ जाए। इट विल एवरेज आउट योर मनी, आपके अमाउंट को ये सारा एवरेज आउट कर देगा एंड आपको ये इन्फ्लेशन में बीट करने में बेस्ट टू बेस्ट इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। आपको 10 से 14 से 15% के रिटर्न इसमें इजिली आप बना पाएंगे। तो इसमें सर सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि स्टे इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड या मार्केट का जो मेन फॉर्मूला है स्टे इन्वेस्टेड पेशेंस, दो फॉर्मूले हैं केवल, उसके अलावा आपको तीसरी चीज देखनी चाहिए रेगुलर इन्वेस्ट करना इज सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस मार्केट। SIP, what is SIP? SIP is the strategy where an investment commit to invest a fixed amount at a specified interval. He ensures that he buys more units when the prices are low and fewer units when the prices are rising, hereby resulting in lower cost per unit in most situations. अब SIP कैसे वर्क करती है एक मोटा मोटा मैं रीड करके आपको बताती हूँ। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये पैसे को एवरेज आउट करती है। Investing at pre-defined interval in calculated disciplines work well in volatile market conditions. Allow you to buy more unit when the market are down, buy less unit when the market are rising. Result in a low average cost per unit in most situations. It is easy to value too, as we do not commit large amount of money at one go. I think SIP का कंसेप्ट शायद काफी हद तक मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रही हूँ, फिर भी मैं दोबारा से इसको एक बार रिकॉल कर देती हूँ। SIP एक वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप एक RD के फॉर्म में अपना एक अमाउंट निश्चित करते हैं कि हमें 5,000 रुपए महीना लगाना है या 10,000 रुपए महीना लगाना है। आपका 5,000 रुपए महीना हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और आपने सपोज 60,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर दिया। ये आपको ये देखना होगा कि जो SIP लगा रहे हैं वो ELSS हो, मतलब जिसका जो ATC में डिडक्टेबल हो, जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल का हो। अब इसमें जिसका पीरियड 3 साल का हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। 3 साल बाद अब इसकी हम टैक्स में कैसे वर्किंग होगी, लेट अस चेक दिस। लॉन्ग टर्म जो भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको जब हम 12 मंथ तक होल्डिंग करते हैं तो दैट्स कम इन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इसकी टैक्सेशन है वो 10% का है, 10% प्लस 4% सेस, 1,00,000 रुपए से ऊपर का। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपने 1 साल में 1,00,000 का प्रॉफिट अर्न किया म्यूचुअल फंड में से, तो उसमें से 1,00,000 रुपए आप लेस कर दीजिए, बाकी पर आपको 10% पहले टैक्स, उसका 4% सेस देना होगा। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक लोग 1,00,000 तक का बेनिफिट तक नहीं पहुंच पाते तो हम इसको यही कंसिडर करते हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जितना भी है ये मैच्योरिटी तक फ्री हो जाता है। बट इसका मेन थिंग इज 3 साल से पहले इससे आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये इन्फ्लेशन को बीट करने में काफी हद तक सक्सेसफुल है। एवरेज आउट होने की वजह से रिटर्न भी बहुत अट्रैक्टिव दे रहा है, एज वेल एज इसको कंटिन्यूटी में अगर आप 5 से 10 साल रखते हैं तो इसके जो रिटर्न हैं 20 से 25% तक आ जाते हैं। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 3 साल के बाद ये FDR की तरह ऑटोमेटिकली रिडीम नहीं होगा,
इसको आपको रिडीम कराना होगा, मतलब 3 साल के बाद ये ओपन एंडेड हो जाएगा। ओपन एंडेड का मतलब है कि 3 साल के बाद आप आज बेचना चाहें आज बेचें, आप 10 दिन बाद बेचना चाहें 10 दिन बाद बेचें, और ना बेचना चाहें तो ना बेचें। 3 साल के बाद इट विल बिकम एन ओपन एंडेड फंड। नाउ लेट्स कम टू द अनदर डिडक्शन, दैट इज ट्यूशन फी। वॉट इज ट्यूशन फी? ट्यूशन फी में कंफ्यूजन क्या रहता है, हमारे पास हमारा क्लाइंट आता है जी, कहता है जी मैंने बच्चे की ट्यूशन फी पे की है स्कूल की, ये हमारी पासबुक में इतनी पैसे डेबिट हुए हैं, ये आप जो है इसको ATC में ले लीजिए। बट नहीं, वो जो उसने पेमेंट किया होता है उसमें 4-5 कंपोनेंट और होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेवलपमेंट फीसेस, ट्रांसपोर्ट फीसेस एक्सेट्रा। तो आपको वो रिसिप्ट मंगा के वो चेक करनी चाहिए कि उसमें ट्यूशन फी का पार्ट कितना है। जो केवल ट्यूशन फी का पार्ट है केवल और केवल वो ही अलाउड होता है, बाकी की बाकी डेवलपमेंट चार्जेस एंड अदर चार्जेस जितना भी स्कूल ले रहा है वो सारे अलाउड नहीं होते। इसमें एक चीज और है कि एक टैक्स पेयर को 2 बच्चों की छूट मिलती है। अगर किसी के पास 4 बच्चे हैं तो 1-2 की छूट हस्बैंड ले सकता है, 2 की छूट वाइफ ले सकती है, मतलब इनडायरेक्टली 4 बच्चों की छूट मिल सकती है अगर उन दोनों ने अलग अलग पेमेंट की हुई है तो। वेरी वेल नोन सेक्शन टू एवरीबडी, इन विच द प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, जिसमें जो भी लोन का रीपेमेंट हम करते हैं इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन, वो सारा ATC में डिडक्टेबल होता है और उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट जाके सेक्शन 24 में अलाउड होता है। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट, वन ऑफ माई फेवरेट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। जिसके पास गर्ल चाइल्ड है उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये पॉलिसी लॉन्च की थी मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इट इज ओपन फॉर द चाइल्ड बिलो द एज, फ्रॉम द एज ऑफ 0 years टू 10 years। इस स्कीम की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। दिस स्कीम का जो उसका टेन्योर रहता है वो 21 years का होता है। 21 ईयर्स का मतलब कि उसकी जो मैच्योरिटी आएगी वो 21 साल के बाद आएगी। अगर 18 साल के बाद बच्चे की शादी होती है बच्ची की तो उस केस में 18 ईयर्स पर आएगी। इसमें भी वही कंपोनेंट है EEE, दैट मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड इज आल्सो एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी एग्जेम्प्टेड और मैच्योरिटी वैल्यू भी एग्जेम्प्टेड। इसमें बहुत अच्छा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है 8.4, जो कि अभी रिड्यूस करके Q1 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q1 में इसको रिड्यूस करके 7.6 ले आए हैं। एंड इसमें भी सेम वही चीज है कि ये थोड़ा बहुत कुछ एक्सटेंड तक इन्फ्लेशन को बीट करने में कामयाब है। बट दिस इज एन सेंटिमेंटल स्कीम जो कि आप एक गर्ल चाइल्ड के लिए लेते हैं। एन्यूटी प्लान ATCCC, जिसमें जो भी हम एन्यूटी प्लान में LIC के एन्यूटी प्लान में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक की जिसमें छूट होती है वो इसमें अलाउड होगी। नेक्स्ट वी कम टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन ATCCD, नेशनल पेंशन स्कीम। इस स्कीम को भी अभी हमारे कंट्री में प्रमोशन कम मिला है ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ दिस पॉलिसी। इसमें सर क्या होता है, ये नेशनल पेंशन स्कीम में इसको पेंशन फंड रेगुलेटरी कमेटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कंट्रोल करती है। उनका मेन पर्पस होता है जो भी पॉलिसीज पेंशन फंड रेगुलेटरी कमेटी से ऊपर से रेगुलेट होती हैं, उनका मेन पर्पस होता है कि पेंशन होल्डर्स का पैसा कंजर्वेटिव होना चाहिए, उसमें कहीं भी उनको कैपिटल प्रोडक्शन उनको दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें क्या NPS क्या है कि एडिशनल, एक तो आपको 50,000 की एडिशनल छूट दे देता है। इसमें जो एंट्री होनी चाहिए वो 2009 में 18-65 years के बीच की एंट्री होनी चाहिए। 65 years के बाद इसमें जो भी कॉर्पस इकट्ठा होगा उसका 60% आपको इमिडिएटली मिल जाएगा और 40% उसका एन्यूटी के फॉर्म में आपको टिल आपकी लाइफ तक अलाइव जब तक आप रहेंगे जब तक आपको मिलता रहेगा। सो ये मेरे अकॉर्डिंगली आई यूज टू सजेस्ट दिस प्लान फॉर टू माई क्लाइंट बिकॉज इसके 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो 1.5 लाख की जगह 2 लाख की छूट मिल जाती है, दूसरा एक
लाइफ सिक्योर तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ ओल्ड एज सिक्योर होती है इन अ फॉर्म ऑफ एन पेंशन, क्योंकि 50,000 सपोज आज आपकी एज 40 इयर्स की है तो आप इसको 25 इयर्स तक सपोज 50,000 रुपए दिए तो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट हो जाता है, एंड उसके बाद ये सारा पैसा यूनिट्स में कन्वर्ट होके मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को बीट करने में कामयाब होता है। सो दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि आप इस स्कीम को जरूर प्रमोट करें और खुद भी अपने लिए लें, ताकि हम इसका इसमें 50,000 का बेनिफिट भी ले पाएं एज वेल एज एक अच्छी खासी जो है रिटर्न को भी अवेल कर पाए। नेक्स्ट वी कम टू एन मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की डेट में, अगर एक इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 65 इयर्स तक है उसको 25,000 रुपए तक का डिडक्शन इस सेक्शन में मिलता है, 25,000 रुपए उसको खुद को अपना एंड 25,000 रुपए उसको उनके पेरेंट्स का, तो इन ऑल आपको 50,000 का तक का डिडक्शन मिल सकता है इन केस इफ द पेरेंट्स आर अबव 60 इयर्स, तो पेरेंट्स को 50,000 का मिलेगा और आपको 25,000 का मिलेगा, तो टोटल मिला के जो डिडक्शन आपको मिल जाएगा इस सेक्शन में वो 75,000 का आपको मिल जाएगा इन केस अगर आप भी 60 इयर्स से ऊपर हैं एंड आपके पेरेंट्स भी 60 इयर्स से ऊपर हैं, उस केस में आपको ये पूरा 1,00,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। इसमें एक नई चीज और है, हेल्थ चेकअप प्रिवेंटिव आपको 5,000 रुपए का डिडक्शन मिल सकता है इन केस अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके पास है और आपके पेरेंट्स के पास नहीं है तो उनका 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए के फॉर्म में मिल सकता है। इसमें एक एज पर द लॉ जो भी इसमें प्रीमियम पेड होना चाहिए वो वाया बैंक होना चाहिए, नॉट थ्रू एनी कैश, कोई भी कैश पेमेंट इसमें अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 80DD, जैसा आप सभी को पता है कि सेक्शन 80DD डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स के लिए होता है कि किसी के साथ कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तो उसका 75,000 एंड सीवियर उसमें 121,25,000 उसको क्लेम मिल सकता है, बट इस क्लेम में जो हमें जो इस क्लेम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक फॉर्म 10IE इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये फॉर्म जब तक सबमिट नहीं होगा जब तक आप इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 80DD मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो भी ये सेक्शन प्रीवियस वाले सेक्शन से कुछ डिफरेंट है, उसमें डिपेंडेंट का जितना भी जो भी हमारे डिपेंडेंट थे उनके लिए मिला था, इसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर कोई भी जो कि स्पेसिफाइड है, उन्होंने बहुत क्रिटिकल इलनेस वाले सारे स्पेसिफाइड किए हुए हैं कि इन इनको मिलेगा, इन इनको इन इन डिसीजेस के लिए मिलेगा, इन डिसीजेस के लिए नहीं मिलेगा, तो एन इंडिविजुअल लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज कैन क्लेम अप टू 40,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड क्रिटिकल एलिमेंट, दिस कैन ऑल्सो बी क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ द डिपेंडेंट, द टैक्स डिडक्शन लिमिट अंडर दिस सेक्शन फॉर सीनियर सिटीजन एंड अ वेरी सीनियर सिटीजन अबव 80 इयर्स इज अप टू 1,00,000 टू क्लेम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, इट इज मैंडेटरी फॉर एन इंडिविजुअल टू ऑब्टेन डॉक्टर सर्टिफिकेट और प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम एन स्पेशलाइज्ड वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ATE, दिस इज अ सेक्शन जिसमें हमें जो भी हमने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए अपने डिपेंडेंट्स के लिए, डिपेंडेंट में अपने स्पाउस भी आ सकते, स्पाउस बच्चे या जिसके भी आप लीगल हायर हैं उनके लिए जो भी लोन लिया है उसका केवल इंटरेस्ट कंपोनेंट इज ओनली अलाउड इन दिस सेक्शन, नॉट रीपेमेंट ऑफ अमाउंट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 80EE, दिस इज द न्यू सेक्शन विच हैव बीन इंसर्टेड बिसाइड द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 24B, एन इंडिविजुअल कैन क्लेम
a deduction of rupees 1.5 lakh under section 80EE for the financial year 1920 or assessment year 2021 onwards, subject to the following condition. The home loan should be sanctioned between 1st April 19 to March 20. The stamp duty value of the property should not exceed 45 lakh rupees. Taxpayer should not own any other residential property on the date of loan sanction. This tax benefit will be available from April 20 till the end of the home tenure closed. The total key deduction, the total interest deduction is now 3.5 lakh, rupees 2 lakh and rupees 1.5 lakh. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इस सेक्शन को, ये सेक्शन नया इंसर्टेड हुआ है. इस सेक्शन में एक मिडिल टैक्स पेयर को रिलीफ देने का पर्पस था गवर्नमेंट का, जो घर बना सके अपना स्टैम्प ड्यूटी, जिस घर की स्टैम्प ड्यूटी 45 लाख से लो हो, उनके लिए बेनिफिट है. इसमें है कि टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन की तरह मिल सकता है 2 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपीज ऑप्शन. बट इसके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अप्रैल 19 से लेके मार्च के बीच में इसका लोन सैंक्शन हुआ. एक कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, दूसरा उसके पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस ना हो. थर्ड, इसमें जो इंटरेस्ट है वो 3.5 टोटल आपको दोनों सेक्शनों को मिला के 3.5 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा. इसमें एक कंडीशन जो 24 की है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है. सेक्शन 80EE, अ न्यू टैक्स डिडक्शन ऑफ रुपीज अप टू 1.5 लाख हैव बीन प्रपोज्ड ऑन इंटरेस्ट पेन ऑन लोन टेकन ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टू प्रमोट करने के लिए ये एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं. सेक्शन 80G, जैसा आप सभी को पता है कि सेक्शन 80G जिसमें हम किसी भी कंट्रीब्यूशन, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट इन सबको जो भी पेमेंट करते हैं, वो उसमें जो अगर उनके पास 12A का सर्टिफिकेट है तभी उनको हम लोग को डिडक्शन मिल सकता है इस सेक्शन में. इस सेक्शन की खास बात है कि केवल अगर आपने कैश में पेमेंट की है तो केवल 2000 रुपए तक की आपको छूट मिलेगी, बाकी और कोई भी छूट नहीं मिलेगी. सेक्शन 80डबल जी उन लोगों के लिए है जो जिनके पास अपने घर नहीं है, जिनको HRA भी नहीं मिलता, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये 80G सेक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था. इस सेक्शन में केवल 5000 रुपए पर मंथ की छूट या 25% ऑफ द टोटल इनकम की छूट मिलेगी जो भी उस पर एप्लीकेबल होगा. These are other sections 80GGA जिसमें deductions जो है आपको rural development में donation made towards scientific research on rural development is eligible for 100% deduction under section 80GGA. The deduction is usually allowed to all SSEs except for those who have an income or loss from a profession or business. The mode of donation can be either in a form of a cash or check or demand draft, and if the total amount exceeds 10,000, then the same is not eligible for deduction. Donation eligible under 80GGA, ये सारी उसकी टर्म एंड कंडीशन है, उसको आपको ये फुलफिल होगा तभी आपको 80G मिलेगा. Another deduction, section 80GGB, company contribution, donation to contribution given by companies to political parties. ये वो डिडक्शन है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी पेमेंट किया जाएगा उसका डिडक्शन होगा, बट अदर देन कैश. सेक्शन 80GGU, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. इसमें भी इन्होंने बेसिकली डिडक्शन जो भी दिए हैं वो मैं रीड कर देती हूँ. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर फॉर एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी or to an NFT trust. It is not available for companies, local authorities,
and an artificial judicial person, wholly or partly funded by the government, you can avail this reduction only if you pay by any way other than cash. ATU, जैसा आप सभी को पता है कि सेक्शन ATU उन लोगों के लिए है जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, खुद अपनी, जिसमें 75,000 तक का उनको रिडक्शन मिलता है इन केस बहुत सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 का ATU का रिडक्शन मिलता है. सो द होल, अगर हम यहाँ तक हम मोटे मोटे डिडक्शन जिनकी भी हम बात करते हैं, अगर हम टोटल को कंसोलिडेट करेंगे, सारे डिडक्शंस को अवेल करेंगे, तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर 2 से 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट अगर डिडक्शंस लेता है तो अवेल कर सकता है. 2 लाख रुपए तो उसके इन्वेस्टमेंट ही हो गए, बाकी चीजें उसके एक्सपेंसेस की तरह वो कवर कर सकता है. इसमें उसकी लाइफ सिक्योर्ड हो रही है एज वेल एज उसको उसको सिक्योर सोशल सिक्योरिटीज के फॉर्म में इस सोशल सिक्योरिटीज भी मिल रही है. Sir, any queries for me? Have you continue and Edward dekhte? Are you through? Yeah. Yeah, it's complete. Yeah. So that was fast and pretty good. Try to sir, actually, बीच में disturbance हो गया तो I tried to be थोड़ा सा fast. Yeah, perfect, perfect, बेटा. Absolutely good. I'll just open the mic for the chairman and other people to join. Sanjay ji, your mic is unmuted. Hello. Yes, Vikram ji. I'm audible. Let me join in one other Anand Sinkar ji and ji, please. I think she did a good job out of it. हाँ विक्रम जी. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज. हाँ जी विक्रम जी, मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द प्रेजेंटेशन इनका, मैंने सुना तो शी हैज मोर फोकस्ड ऑन द फाइनेंशियल पार्ट, ऑन द प्रोडक्ट पार्ट. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. चैप्टर 6 ए में जो इंश्योरेंस का पार्ट है उसमें कौन कौन सी स्कीम है उस पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया. दैट वाज इंटरेस्टिंग. हाँ जी, that was pretty interesting. हाँ, because we are not aware of all this, कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट में, कौन से टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट हमको करनी चाहिए, तो इन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं एक्ट में, तो बहुत कुछ है, बहुत सारी डिडक्शन और बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं. जैसे मैं, इन्होंने पीपीएफ के बारे में बोला, चैप्टर 6 के बेनिफिट्स ये बता रहे हैं. आर यू एबल टू हियर मी? यस यस, संजय जी कैरी ऑन. हाँ जी, तो ये जो है इसमें एक बेनिफिट ये भूल गई पीपीएफ का, and that is that PPF amount is not, cannot be attached by any authority by legal course. PPF एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, अगर इनकम टैक्स की रिकवरी वगैरह है तो वो आपकी वो अटैचमेंट नहीं हो सकता उसका. राइट सर, आई मिस दैट कंसेप्ट. हाँ, वो मैं सुन रहा था. आपका बहुत सारी ऐसी चीजें, इंश्योरेंस है जैसे. हमारा वीडियो नहीं आ रहा. हाँ, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. प्लीज कैरी ऑन. हाँ जी, तो इंश्योरेंस में जैसे एक जनरल इंश्योरेंस है, GI ग्रुप इंश्योरेंस, ये चैप्टर 3 में अंडर द कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम इट इज अवेलेबल. कीमैन इंश्योरेंस है टू द, हाँ, तो इस टाइप के इंश्योरेंस भी हैं जो कि बिजनेसमैन को अवेल करनी चाहिए. राइट सर, एक्चुअली में मेन फोकस व्हाट आई चैप्टर 6 पे था आपका. जी जी, नहीं सर, चैप्टर 6 में उसी में है कि जो भी कीमैन इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है उसमें जो एम्प्लॉयर है उसको डिडक्शन अलाउड होगा. हाँ, एंड yes. जिसके हाथ में आएगा उसके लिए टैक्सेबल होगा. नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है, बट अगर हम एक डिडक्शन बता रहे हैं तो एक बिजनेसमैन भी हमारे क्लाइंट्स है, वी हैव टू टेल देम, जो हमारे मेन वर्किंग डायरेक्टर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स हैं, उनको ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए बिजनेस हाउसेस को. और इसके अलावा आपने तो एज अ वेरी गुड फाइनेंशियल कंसल्टेंट यू हैव एक्सप्लेन द थिंग्स. सैलरी है जैसे, अब सैलरी आपके क्लाइंट है जैसे, समबडी कम्स दैट आई हैव अ पैकेज ऑफ से 1.5 crores, आपको सुनाई पड़ रहा? आ रहा है, आ रहा है.
तो एक क्लाइंट आता है आपके पास कि भाई 1.5 करोड़ का हमारा पैकेज है सैलरीड एम्प्लॉय, फर्स्ट हेड ऑफ इनकम से हम लेते हैं सैलरी एम्प्लॉय, तो वो कहता है 1.5 करोड़ का हमारा पैकेज है, इसको ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि देखिए जैसे मैक्सिमम अलाउंसेस हैं वो टैक्सेबल हैं, मोस्ट ऑफ द अलाउंसेस आर टैक्सेबल, तो हमको उसको ये एडवाइस करना चाहिए कि वेदर वी शुड गो फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस और वी शुड गो विद अलाउंसेस, दैट वी हैव टू सी, बैलेंस करना पड़ेगा हमको, चेक करना पड़ेगा उसको कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो ये भी एक इट इज अ डिडक्शन अवेलेबल टू हिम, टैक्स सेविंग का एक ये टूल है जब आप सैलरी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। इसी तरीके से व्हेन यू कम टू बिजनेस इनकम उसमें भी बहुत सारी डिडक्शंस हैं। एक क्लाइंट आपके पास आता है कि भाई एक इंडस्ट्री हमको लगानी है, तो उसमें सिर्फ हमें इनकम टैक्स में हम उसको ये बताएं कि सर 6A में ये है रिबेट है, बहुत सारी चीजें उसको हमें बतानी चाहिए कि ये स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे तुम यूनिट डालो, ये तुम्हें टैक्स इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी। पर उसके लिए हमने एक्चुअली में द चैप्टर इज सो वास्ट कि इसको एक बार में कवर करना शायद थोड़ा मुश्किल होता। हाँ तो वो आपकी बहुत स्लाइड्स में था, मैं जो सेक्शन आपकी स्लाइड्स में मैं उसी पे बोल रहा हूँ जिसको आपने स्किप किया। ऐसा स्किप नहीं किया, एक्चुअली में उसको डिटेल में हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि उसको हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, वो तो मैं बता रहा हूँ, ये तो 3 दिन का कार्यक्रम है ना, 3 दिन में हो पाएगा ये। थोड़ा सा कोविड को ध्यान में रखते हुए कि भाई लोग टैक्स सेविंग करें, तो ये आपने इंश्योरेंस पे बात की कि इंश्योरेंस चैप्टर 6 में 80C में हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब नाउ इसमें देखिए कैच क्या है, हमें इंश्योरेंस किसका करना चाहिए, बेसिक इंश्योरेंस का पर्पज क्या है, इंश्योरेंस जो है हमें अपना करना चाहिए या अपने डिपेंडेंट्स का करना चाहिए, वेयर वी गेट लेस प्रीमियम, बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, दिस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट वुड बी एबल टू एलाबरेट इस चीज पे कि इंश्योरेंस तो हमने कह दिया कि एंडोमेंट प्लान ले लो, मे बी वी गो फॉर अ मैरिज प्लान, वी गो फॉर एजुकेशन प्लान ऑफ अ चिल्ड्रन, वी गेट द सेम रिबेट, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे हालात में वो क्या चीज अच्छी है। जहां तक इंश्योरेंस की बात है, आई थिंक यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट दिस कि इंश्योरेंस तो हमने एंडोमेंट प्लान ले लिया, हमने उसमें 10,000 प्रीमियम दिया, एक हमारी बेटी है जो 18 साल में शादी होने वाली है, या हमारे बच्चे हैं जो एजुकेशन प्लान की जिनको जरूरत पड़ेगी, 20 साल के होंगे 21 साल के होंगे, एजुकेशन प्लान की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा बहुत वाइड रेंज है इंश्योरेंस में, बहुत वाइड रेंज है। तो एक इंश्योरेंस जो एजेंट है मेरे ख्याल से वो उसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है, बट एज अ टैक्स कंसल्टेंट हम लोगों को इन सब चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। इट वॉज अ वेरी गुड एफर्ट ऑन योर पार्ट, बहुत अच्छा किया आपने ये सेशन, अभी भी मैं कहूंगा ये इनकम्प्लीट है, ये 3 दिन का सेशन विक्रम जी करेंगे तब जाकर के ये एक एक हम लोग परमिशन दे दीजिए, एक एक करके एक एक सेक्शन को एलाबोरेट करके उसके डायनामिक और सब कुछ और टाइम लिमिटेशन छोड़ दीजिए। जी 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 जी, पर तब तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। जो क्वेरीज हैं बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा क्वेरी तो चैप्टर 6 में नहीं बनती है लोगों की, लेकिन फिर भी व्हाटएवर इज द क्वेरी दे शुड गिव ऑन द चैट बॉक्स और ऑन द मेल। संजय जी, देयर आर सम क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स अवेलेबल टू अस। हेलो, हां जी सुन रहा हूं मैं। देयर आर सर्टेन क्वेरीज अवेलेबल ऑन द चैट बॉक्स, तो एक एक करके वो ले लेते हैं, ज्यादा तो नहीं आई है जितनी भी आई है, और बाकी के लिए हम पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे अपने मेंबर्स को, व्यूअर्स को, कि जो हम यहां से नहीं कवर कर पाएंगे या कोई लंबी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी फ्लैश भी कर दूंगा, इट इज info@gmail.com, आप इसे कर दीजिएगा, मैं भी इसका फ्लैश भी कर दूंगा नाम। लेकिन तब तक जो आई हुई है पहले जरा उनको लेने की कोशिश करते हैं। पहली क्वेरी है एडवोकेट संयोग गुप्ता से, शी इज आस्किंग ट्यूशन फीस में ग्रेजुएशन या स्पेशल कोर्स की फीस भी अलाउ होती है क्या? रुचि जी, क्वेश्चन टू यू। यस सर, उसमें केवल केवल ट्यूशन फी वाला जो पार्ट होगा केवल वो अलाउड होगा सर, ग्रेजुएशन का भी, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे स्कूल फीस हो, केवल ट्यूशन फी का पार्ट अलाउड होगा सर, बाकी कुछ और पार्ट अलाउड नहीं होगा। अगला प्रश्न आया है अकबर गोयल लखीमपुर से, ये पूछ रहे हैं 80GG का डिडक्शन लेने के लिए रेंट की रिसीट रिक्वायर्ड होगी या नहीं, एंड क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है। एंड क्या डिडक्शन 80C की लिमिट में ही इंक्लूड होगा? जी सर। दैट्स इट, आई होप अंकुर जी आपको जवाब मिल गया होगा। उमेश श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, क्या न्यू स्लैब रेट स्कीम में सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी?
उसको ऑप्ट करना पड़ेगा ना, अगर वो स्टैंडर्ड अगर वो न्यू उसमें जाते हैं तो नहीं मिलेगी और पुराने में जाते हैं तो मिलेगी। That's good. एक कॉम्प्लीमेंट आया है आपके लिए एडवोकेट शंकर गुप्ता जी का, कहते हैं there's too much perfection in your PPT. Sir, I tried. Thank you. सब स्पेशल थैंक्स तो आपका ही है क्योंकि आपने आप लोगों ने मुझे प्रमोट किया। एक क्वेश्चन है विनय वस्ती का, whether recurring deposit in post office qualifies for deduction up to 1.5 lakhs which is having a lock-in period of 5 years. Sir, repeat kariye, I missed something. Whether recurring deposit in post office qualifies for deduction up to 1.5 lakhs. हाँ सर, अलाउड है। जो भी फिक्स जो 5 years के जो भी डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो अलाउड होते हैं ATC के अंदर, बट अप टू 1.5 lakh रुपए। एक आपसे अनिल जी पूछ रहे हैं, मुझे पूरा नाम दिया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ATDD एंड ATDD B। लेट्स अभी डिस्कस करें सर इसको, तो शॉर्ट में बता सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग है तो बाकी देख लेंगे। Can you do it in one line, one or two lines? Sir, let me discuss with him. अब वो सेक्शन चेक करना पड़ेगा फिर से। अपने सेक्शन चेक है सर, मैं एक बार इनके साथ पूरा ही हम लोग डिटेल में ले लेते हैं सर। ATD एंड ATDD B। ये ATDD एंड ATDD B। सर देखिए मेडिकल मैं ले लेता हूँ। सर इसमें जो ATDD है वो डिपेंडेंट हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए है सर ये, और जो ATDD B है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी लाइक क्रिटिकल इलनेस के थ्रू हुआ है विच इंक्लूड आप भी हैं एंड फैमिली भी है, ये डिफरेंस है। मतलब जो ATDD है वो हैंडीकैप डिपेंडेंट के लिए है और ATDD B उसके लिए है जिसने कोई भी क्रिटिकल किसी एक्सपेंडिचर किया हो क्रिटिकल डिसीज के ऊपर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे। राइट, थैंक यू, दैट वाज शॉर्ट एंड स्वीट। एडवोकेट सत्येंद्र जैन पूछ रहे हैं LIB प्रीमियम में जो GST चार्ज है उस पर भी रिबेट मिलेगा या सिर्फ बेसिक अमाउंट पे? बेसिक पे ही मिलता है, लेकिन जो है एज ए लेमन सब टोटल पे ले लेते हैं यानी अगर चेक हो गया तो पकड़ा जाएगा, डिस्लाउ हो जाएगा। एक अरविंद जैन मेरठ से पूछ रहे हैं हाउसिंग लोन लेने के बाद पोजीशन नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट का डिस्काउंट अलाउ होगा या नहीं? सर ये चैप्टर देखिए यहाँ पे दो सेक्शन है, सेक्शन 24 में अलाउड नहीं होगा बट ये सेक्शन ATDD B जो है उसमें अलाउड होगा सर, ये EA में, सॉरी विपिन गुप्ता आजमगढ़ से पूछ रहे स्पेशल कोर्सेज MBA एक्सेट्रा की डिडक्शन ATC ट्यूशन फी में मिलेगी क्या? हम दोबारा से एक बार ATE को दोबारा ले लेते हैं, इन लोगों का कंफ्यूजन हम एक बार क्लियर करते हैं। ट्यूशन फी के लिए पूछा है ना सर केवल उन्होंने? हाँ, इसमें MBA के लिए। जी सर, लेट अस डिस्कस, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रमोट हायर लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज टैक्स ब्रेक्स एंड इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन ट्यूशन फीस paid by the taxpayer for their children. A parent can claim a deduction on the amount paid as a tuition fees to a university, to a college or any other education institution. Other component of fees like development fees, transport fees, etc. are not eligible for deduction under section 80C. The maximum deduction of tuition fee can be claimed up to rupees 1.5 lakh together with the deduction with respect of other investments. The deduction is available to a maximum for 2 children of each individual. I think sir, इससे बिल्कुल clear हो जाता है कि MBA की fees भी एक आपकी जो है university की fees है उसकी tuition fees allowed होगी।
थैंक यू बेटा. आई थिंक क्वेरी तो मोर और लेस हमने ले ली है कवर करते हुए. गांधी जी यू आर देयर? यस सर. गांधी जी यस सर. आई एम. योर कमेंट्स प्लीज. अजी योर इनपुट्स प्लीज. माय इनपुट्स आर वेरी गुड. कांग्रेचुलेशन टू द स्पीकर एज वेल एज टू चेयरमैन. आज संडे में इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई गॉट लेट. आई गॉट ए नैप ऑल्सो आफ्टर सम्पच्युअस लंच. तो इसलिए बहुत पेशेंस वाला काम था. बहुत अच्छा था. प्रेजेंटेशन वॉज गुड. थैंक्स रुचि. थैंक्स संजय कुमार जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू ऑल द ऑडियंस ऑफ यूपी टेक्स बार. थैंक यू चावला. आनंद जी. आनंद शंकर जी सर ओवर टू यू. थैंक यू विक्रम जी. Really, it is a very fantastic and what we feels, what we required in this time. But it is, keep in mind ki each and every case requirement, all are different. What is required to, what has been said by Ruchi is quite important in a general sense. But for individual cases, we have to go for. तभी हम उसके ऊपर जो है उसका पूरी तरीके से लाभ उठाएंगे. Right sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Singhal sir. Final closing remarks, Sanjay Kumar ji. Sanjay ji would like to give final closing remarks. Anything, Sanjay ji? Your mic is unmuted. Sanjay ji would like to give any final closing remarks before. Yes, exactly. There was a query regarding recurring deposits, whether it will qualify for chapter 680C or not. Recurring deposits shall not. It is not only term deposit. Recurring FDR, FDR, sir, 5 years. Recurring deposit of MIS. नहीं नहीं जो सवाल उनका था ना, it was a recurring deposit. सवाल उनका ये था कि it was recurring deposit, मतलब उनको हर महीने जमा करना चाहते हैं वो. नहीं सर, recurring deposit FDR था ना सर, विक्रम सर शायद वो. नहीं 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 recurring deposit सवाल उनका था. It was. दोनों different situations समझ लीजिए. दोनों पे देते. बहुत different situations. दोनों का जवाब दे दीजिए. सर जो MIS वगैरह जितनी भी होगा सर, वो ATC के लिए एलिजिबल नहीं होती. जो भी FDR 5 years की जो भी FDRs होंगी, that is allowed as ATC. जो भी इन्वेस्टमेंट RDs के फॉर्म में या MIS के फॉर्म में जो भी होगा, that is not allowed as in ATC. केवल FDR 5 years का जो भी डिपॉजिट है. Yes, yes, yes. This is the correct answer. Yeah, actually sir, maybe वो मेरे को शायद दोबारा रिपीट कराया था मैंने क्वेश्चन. I was शायद lacking something in that one. Actually उनका सवाल था कि it was a RD. Anyway, it was a good presentation on your part. And हम लोग फिर यहाँ पर इसी जगह पे फिर मिलेंगे. Thank you so much. Thank you. और मैं फायदा नहीं करना चाहूँ. Thank you. हाँ जी सर. Thank you sir. हाँ जी सर. Thank you sir. Thank you. And आप जो हैं सब लोग अपना जो डाल सकते हैं. Please please carry on. मैं ये कह रहा था अब ये फॉर्मल सेशन हम लोग खत्म करके चिट चैट करें ना. बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं मिला नहीं लेकिन नाम सुना हुआ है, तो आज मुझे बात करने दीजिए उनसे. नहीं दिख रहे हैं अभी कराते हैं बस. अभी आपको बस info@upptb.gmail.com आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा. आपकी जो क्वेरीज रह गई है आप इस पे भेज सकते हैं. हम बाद में रुचि से डिस्कस करके हमारा पैनल डिस्कस करके कोशिश करेगा आप सबको इसका रिप्लाई देंगे. तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अरविंद गुप्ता जी से, अध्यक्ष जी से, कि वो आए और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दे और मीटिंग को क्लोज करने का कष्ट करें. अरविंद गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद. आज सुन के बहुत अच्छा लगा. आप रुचि जी आपने सबकी रुचि के हिसाब से सबको ज्ञान दिया. ज्ञान ज्योति कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस बात को साबित किया कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां. बच्चियों में ये हमारे समाज के लिए बड़े गौरव की बात है और ये हमारे यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज पहली बार किसी बिटिया ने जो है आकर के हम लोगों को पढ़ाया है. ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है. सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अब की बार आप मुझे कुछ हार्ड टॉपिक देके बुलाएं ताकि मुझे बिल्कुल 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 हार्ड टॉपिक देके मुझे बुलाएं सर. ये काम वैसे तो विक्रम जी का है लेकिन हम आपको अपनी ओर से एश्योर करते हैं कि हम आपको आगे भी अपने प्रांतीय संघ से जोड़ के रखेंगे
और आपके सम्मान में एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा करो और आसमान को, आसमान को। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज आपने साबित किया कि हमारी नौजवान पीढ़ी भी पढ़ने लिखने में बहुत आगे है। केवल हमारे ये हमारे विक्रम जी की, आनंद जी की और डीके गांधी जी की ये व्यवस्था थी कि उन्होंने हमारे नौजवान पीढ़ी को प्रमोट करने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम में सफल रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपनों को नहीं दिया जाता है, आपको हम साधुवाद देते हैं, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आप इसी तरह से जीवन में अग्रसर होते रहें। बैठक समाप्त की जाती है।